दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। महाविकास अघाड़ी को लेकर के लोगों की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार शरद पवार जो है वो किस तरह से एक ऐसी चाल चलेंगे जो कि पुरानी राजनीति की झलक अच्छे से पेश करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से अगर आप देखें तो बहुत कुछ आपको ऐसा ही दिखने लगा है, तस्वीरें ऐसी ही अब सामने वापस आने लगी है क्योंकि विपक्ष एक बार फिर से बहुत ज्यादा जिंदा हो उठा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी किस तरह से इस मौके को भुनाने वाला है क्योंकि सीटों के बंटवारे पर लगातार चर्चा हो रही है और जिस तरह से शरद पवार की चालें आज से नहीं बहुत सालों से मशहूर रही है और उन पर नजर रही है तमाम नेताओं की कि कब वो कौन सा खेल खेल दें कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे कुछ चंद नेता मुझे याद आते हैं जो कि उन्हीं के दौर के रहे हैं, तो वो सब भी कुछ इसी तरह से काम किया करते थे और इसी तरह की राजनीति महाराष्ट्र में शरद पवार ने कई बार उठापटक मचाई है। आइए बात करते हैं मृगांगी से, उनको अपने साथ चर्चा में शामिल करते हुए आगे बात बढ़ाते हैं। और शरद पवार क्योंकि वो व्यक्ति है मृगांगी जो कि कभी भी किसी भी वक्त अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि शरद पवार क्या अब ऐसा करने वाले से महाविकास अघाड़ी की एक सुनिश्चित हो जीत, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि महायुति में अगर बात देखी जाए तो वहां पर भी अमित शाह ये कह रहे हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को कि भाई आप लोग भी एक दूसरे के दल के लोगों के साथ ज्यादा भाव तोल ना करें, यानी कि अमित शाह भी ये मान करके चल रहे हैं इस बार कि उन्हें कितना मिले या उनके बाजू में कितना मिले उससे ज्यादा जरूरी है सामने वाले को कुछ ना मिल जाए। ऐसी बात अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि सारी बातें छोड़िए हमें संविधान बचाना है। तो लड़ाई आमने सामने दो बड़े योद्धाओं के तौर पर विपक्ष और सत्ता की बहुत खुलकर हो रही है, तो यहाँ पर शरद पवार की क्या रहने वाली है रणनीति ये बहुत जरूरी है देखना, बताइए सर। विनीता ऐसा है, मैं शरद पवार को उन राजनेताओं में गिनता हूं और उनको मानता हूं कि आज राजनीति में वो भीष्म पितामह बन गए हैं। उम्र दराज हो चुके हैं 83 साल, लेकिन उनका जज्बा जो है बहुत अभी वो ही काम है। आपको याद होगा पिछली बार उनको 2019 में लगभग महाराष्ट्र के अंदर 54 सीटें मिली थी और उस वक्त जिस समय चुनाव हो रहे थे, क्योंकि इस वक्त चुनाव सही समय पर हुए नहीं क्योंकि जो सरकार है इस वक्त महायुति की उससे लड़की बहन योजना चलानी थी, इस वजह से एक महीना उसे लेट कर लिया गया ताकि महिलाओं के अकाउंट में जो है लगभग नवंबर और दिसंबर की किस्त पहुंचाई जा सके। तो एडवांटेज लेने के लिए मुझे लगता है कि 15 तारीख का निश्चित की गई चुनाव के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मुझे आज भी लगता है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में टिकटों को लेकर दरार दिखाई दे रही थी, मैं एक बानगी बता रहा हूं आपको, फिर उनके मुद्दे पे आऊंगा कि जिस तरह से वो दरार दिखाई दे रही थी कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा और सामंजस्य नहीं बन पा रहा और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव ठाकरे मिलकर जो है शरद पवार के पास बैठते हैं और उनके बीच में एक तालमेल तैयार किया जाता है। और जैसा मैंने आपसे और पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि लगभग बराबर का जो है सीट बंटवारा होगा और साफ तौर पर दिखाई भी दिया जब सीटें घोषणा हुई तो 85-85 सीटें जो है तीनों को दी जाएंगी, लेकिन अभी भी 30 और 33 सीटें ऐसी हैं जिसपे अभी चर्चा नहीं हो पाई है या जिस ऊपर चर्चा करेंगे और उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को शायद 2 या 4 सीटें बाकी पार्टियों से ज्यादा मिलेंगी क्योंकि अपने ही कोटे में से वो समाजवादी पार्टी को एडजस्ट करेगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस का आंकड़ा जो है 100-105 पद और कांग्रेस खुद का आंकड़ा लगभग 96 और 100 के बीच में हो सकता है, पहली चीज। तो सामंजस्य बिठाने में बहुत बड़ा हाथ है शरद पवार का। दूसरा, महाराष्ट्र में एक बजवर्ड हो गया है, एक बजवर्ड ये हो गया है कि एनसीपी जो शरद पवार एनसीपी है वो अब भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम बनने जा रही है। शायद आप मेरी बात से जो है वो रखे हैं, और वो इसलिए है कि शरद पवार ने 85 सीटें ले ली हैं और शायद वो इसलिए ले ली है कि उन सभी विधायकों को वो सबक सिखा सके जो उनका साथ छोड़ के चले गए अजीत पवार के साथ। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ सीटों के ऊपर टिकटें बांट दी है जो बीजेपी में असंतुष्ट रहे, जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, जो जिनकी चल रही थी बात की उनको टिकट बीजेपी से मिल सकती है, और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी की सीटें शरद पवार ने उनके लोगों को दे दिए, मतलब जो छोड़कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी को और शरद पवार के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे मुझे 4-5 बड़े नाम याद है जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शरद पवार के साथ शामिल हुए हैं और शरद पवार ने उन सीटों पर उतारा है जिन सीटों पर वो चुनाव जीत कर आए थे और वो लोग जो विधायक थे अजीत पवार के आज विधायक हैं उनको शायद सबक सिखाने के लिए कि उनके समय में जो है समय में उनका साथ छोड़ के गए थे।
तो मुझे लगता है कि उनके बारे में हमेशा मशहूर है, जैसे मुलायम सिंह के बारे में मशहूर था कि वो जब चरखा दाव लगाते हैं तो राजनीति के अंदर सबको चारों खाने चित कर देते हैं। ऐसे ही शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो एक हाथ से बाएं हाथ से काम करते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने एक मुझे लगता है एक व्यू रचना रच ली है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसी के गढ़ में मात देनी है, या शरद पवार मेरे ख्याल से जो अजीत पवार है उनको किस तरह से मात देनी है, क्योंकि जो विधायक उनको छोड़ के चले गए उनसे वो सारी सीटें कैसे वापस लेनी है। 54 सीटें उन्हें पिछले चुनाव के अंदर मिली थी और इस बार वो उम्मीद ये कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका रहे। लोकसभा में दिखाई भी दिया है, वो 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में लोकसभा में तो उन्हीं का रहा है, 8 सीटें वो जीतकर आए हैं। तो निश्चित रूप से वो कोई एक व्यू रचना जरूर रच रहे होंगे कि किस तरीके से जो है बीजेपी को और अजीत पवार की पार्टी शिवसेना उसको एनसीपी को किस तरह से पछाड़ लगाई जाए। दूसरी बात मुझे ये और दिखाई देती है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि उनके को लेके आज भी जो शेतकारी है, शेतकारी लोग हैं जिन्हें किसान बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एक उसे सहानुभूति वोट उनके लिए है। बारामती और उसके आसपास का जितना इलाका लगता है जिसे शुगर बेल्ट भी बोला जाता है, शुगर बेल्ट में लगभग कम से कम यू मान के चलिए 44 से लेकर 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधा असर जो है शरद पवार का है। अब वो शरद पवार के साथ वो लोग जाएंगे या अजीत दादा के साथ जो है सीट शेयरिंग हो जाएगी, या ये समझिए कि स्ट्राइक रेट शरद पवार का हो सकता है ज्यादा हो उनका, कम रहा हो अजीत पवार का, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि वो राजनीति को उस रीजन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी वहां ज्यादा लीड लेगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में आज भी बैठक चल रही है, शिंदे और का बैठक चल रहा है, अजीत पवार भी शामिल हैं और लगता है मुझे कि बीजेपी एक लॉन्च शेयर अपने पास रखेगी, लगभग 150 से 155 सीटों की हमारे पास जानकारी है वो रखेगी और रखनी भी उसे चाहिए क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव के अंदर लगभग 105 सीटें जीत के आई थी और सबसे बड़ी पार्टी थी उस घटक की जिसके अंदर बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे की जो है पार्टी शामिल थी। उस वक्त जब बंटवारा हुआ तो ये शिंदे इधर आ गए और वो अकेले रह गए, लेकिन आज भी वो ये चाहेंगे कि उनको कम से कम सीटें दी जाए क्योंकि उनका ज्यादा वोट बैंक नहीं है, उनका ज्यादा धरातल नहीं है और इसलिए जो भी वो चुनाव लड़ेंगे उसमें बीजेपी का वोट शेयर भी मिक्स होगा। तो कहीं ना कहीं जो शिंदे की पार्टी है और अजीत पवार की पार्टी है उनके पास जो कैंडिडेट होंगे उनका तो अपना वोट होगा, प्लस बीजेपी का एक कैडर वोट जो होता है वो उनको पड़ेगा। तो बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कैडर वोट उन्हीं के पास रहे और बीजेपी को ये लगता है कि जिन सीटों पर दूसरे या तीसरे नंबर पर वो रह सकते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वही सीटें शेयर की जाएंगी। इसीलिए महायुति के अंदर जो है लगातार 2 दिन से बैठकों का दौर चल रहा है, अमित शाह के सामने यही बातचीत हो रही है और वो चाहेंगे कि वो कम से कम सीटें जीते और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीते ताकि कभी 2019 के बाद जो घटना घटी, जैसे 2022 में घटना घटी कि दो पार्टियां टूट गई, कभी ये लोग टूट के जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना नंबर होना चाहिए वो किसी भी पार्टी को तोड़ के। ये तो अमित शाह का तेज दिमाग ठीक है यहाँ पर, लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी कोई ऐसा नहीं है कि वो नए खिलाड़ी हैं, वो कैसे मानेंगे? अजीत पवार तो मुझे नहीं लगते कि नए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और वो कई बार अपने जो है शरद पवार को पटक भी दे चुके हैं, कई बार बिना बताए जो है जाके बीजेपी के साथ खड़े हो गए और पता लगा तुम्हें उन्हें जो है कह दिया गया कि जो है डिप्टी सीएम, उन्होंने एकदम पासा पलट दिया, तो वो इस खेल के तो माहिर आदमी अजीत पवार तो। लेकिन शिंदे के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो अभी तक जो है उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने राजनीति किया था, हो सकता है उन्होंने अपने जो विधायक के लंबा समय राजनीति में बिताया हो लेकिन राष्ट्रीय पटल के ऊपर या प्रदेश पटल के ऊपर राजनीति में उनका उतना जो है अनुभव ना हो, तो मुझे लगता है कि वो भी यही सोच रहे होंगे कि कभी ऐसा मौका है कि भारतीय जनता पार्टी आग करेरे लगे तो उनके पास भी इतना नंबर होना चाहिए कि वो जाके जो है दूसरे घटक से मतलब महाविकास अघाड़ी के साथ हाथ मिला ले। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो एक शेक्सपियर के अंदर कॉल्ड्रोन बबल, और वो कॉल्ड्रोन बबल कर रहा है उसमें किसको नहीं मालूम तो किसको कितना वोट शेयर कहाँ जाने वाला है, वो बबल में से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये शायद किसी को भी नहीं मालूम है। इसलिए अमित शाह ये व्यू रचना रच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और ज्यादा से ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट रहे ताकि जब बार्गेनिंग की कभी समस्या है तो पहली जैसी घटना ना हो कि 63 जो है उद्धव ठाकरे के पास थी और 105 बीजेपी के पास थी, तो जब ऐसा कभी मौका आए
तो वो किसी भी पार्टी में से किसी को भी उठा के जो अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं जी। यानी कि अजीत पवार का मुझे कुछ वो वाक्य याद आ रहे हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव के वक्त में सुप्रिया सुले वोट करने के बाद अपने चाचा से मिलने उनके घर चली जाती हैं। दोनों के रिश्ते जो हैं भाइयों के ऐसे अभी तक उतने खटास वाले नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग हैं, पर्सनल में उतनी फूट नहीं पड़ी है। तो आपको लगता है अजीत पवार जो बार बार अलग अलग तरह से बयानबाजी भी करते रहे हैं, अजीत पवार अमित शाह को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं चुनाव के पहले या बाद में? देखिए चाचा भतीजे का दोनों का ही बता रहा हूं मैं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं वो, और कभी भी वो कुछ कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है शरद पवार की तब थी जब कांग्रेस की सरकार थी और उनके मनमाफिक जो है पीएम नहीं बना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद पीएम प्रोजेक्ट कर रहा था। एकदम कांग्रेस को झटका देके उन्होंने और नरेंद्र तिवारी ने अलग से एक कांग्रेस की अलग से पार्टी बना ली थी, अलग धड़ा बना लिया था, तब से लेके वो अलग पैर से चल रहे हैं और बहुत हाईली अनप्रेडिक्टेबल दोनों को महाराष्ट्र की राजनीति में जाना जाता है। अगर कहीं बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम रहा और दोनों का स्ट्राइक रेट ज्यादा है तो आप यू भी कह सकती हैं कि अजीत पवार ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे सीएम प्रोजेक्ट कर दीजिए, आप मुझे भारत से समर्थन दे दीजिए, सरकार चल जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है, आप शिंदे को बना सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर उसकी जो सत्ता की बागडोर है उसका हाथ कहीं छूटे, और उसकी बानगी दिखाई भी दी है कि शिंदे के पास नंबर डबल है लेकिन उसके बावजूद वो जो है छोड़ कर जो है और उन्हें जो है सीएम बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चाचा भतीजों की हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ कह सकते हैं। लेकिन मुझे शरद पवार के बारे में फिर भी लगता है कि इस बार शायद महाविकास अघाड़ी को वो गच्चा नहीं देंगे, क्योंकि उम्र दराज है और मुझे लगता है कि शायद वो राजनीति के अंदर एक लंबी और अंतिम पारी, मतलब ये अंतिम पारी में उनकी बोल सकता हूँ कि अगले 5-6 साल 7 साल में क्या होगा नहीं जानते, ठीक है ईश्वर उन्हें उम्र दराज करे, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक लिहाज से वो एक अंतिम पारी खेल रहे हैं और बहुत कुछ दारोमदार इस चीज के ऊपर है कि अगर वो अपने को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो वो सुप्रिया सुले के लिए एक राजनीतिक विरासत छोड़ जाएंगे अपने पीछे और जिसे जो है एनसीपी खड़ी रहेगी। तो ये काफी मुझे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है इस चुनाव में, इसलिए पूरी ताकत के साथ ये अंतिम बार वो शायद चुनाव की मैदान में उतरेंगे। आपको लगता है कि क्योंकि डिंपल यादव और सुप्रिया सुले की बहुत अच्छी दोस्ती है, मतलब बहुत करीबी दोस्त है दोनों, क्या आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी को सीटें की जो बात हो रही है महाराष्ट्र में, उसमें एनसीपी का भी कुछ एक इम्पोर्टेंट रजामंदी इन सब चीजों के लिए आ सकती है? क्योंकि अक्सर पॉलिटिकल और पर्सनल अलग होता है, लेकिन फिर भी कई बार पर्सनल पॉलिटिकल पर भारी पड़ जाते हैं। देखिए बिल्कुल हो सकता है और संभावना है सब चीज के। देखिए राजनीति में कभी कोई दुश्मन नहीं होता, जब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक स्टेज पे बैठ सकते हैं और डिंपल यादव के लिए वोट मांगते हैं तो राजनीति में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। अभी तो खबरें कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ये भी आ रही थी कि संजय राउत जो है अमित शाह से मिले हैं और कांग्रेस से इस बात का आरोप लगाया था। तो राजनीतिक द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। उद्धव ठाकरे और फडणवीस की भी मुलाकात की बात आई थी लेकिन वो संजय राउत ने खुद ही खारिज कर दी, तो पता नहीं बातों में कितना दम है, अफवाह है अभी तक तो नजर आया है। बिल्कुल देखिए राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है, कभी भी कोई कहीं जा सकता है। और राजनीति का मतलब सत्ता का मतलब है मौका, आपको जहां मौका मिले बेहतर तरीके से आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लीजिए, बाद के 5 साल किसने देखे कोई नहीं जानता। तो ये जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस तो अपनी सीट शेयर करेगी, लेकिन चूंकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जो है एक भी सीट नहीं मिली है तो मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 सीट समाजवादी पार्टी को दी जा सकती है और शायद जो है सुप्रिया सुले भी जो है उनके लिए कह सकती है, कांग्रेस में भी कह सकती है, या 1-2 सीट के ऊपर अपनी फ्रेंडली फाइट में उतार सकती है 1-2 कैंडिडेट को, अगर उन्हें लगता है मुकीद है मजबूत कैंडिडेट है और वो चुनाव जीत सकते हैं तो हो सकता है उनके सिंबल पर 1-2 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां से एडजस्ट कर लिए जाए। लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में दावेदारी ठोक रही है और 2 विधायक तो उनके पास है ही, अगर वो 4 या 5 उन्हें सीटें मिलती हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा नंबर उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में मिल जाएगा और एक बड़ा एक उनका वोट शेयर जो ऑल इंडिया लेवल पे समाजवादी पार्टी का वो भी इस चुनाव में बढ़ जाएगा। जी थैंक यू सो मच मृगांक जी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला इस बार महाराष्ट्र का चुनाव और आपका खुद का अनुभव इतना लंबा, ये तमाम बातें जो आपने साझा की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना यही होगा कि महाराष्ट्र में
हरियाणा के बाद कोई तस्वीर बदलती है या फिर यूं ही पैर पटकते विपक्ष फिर से दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।